वेलकम गाइस, ITL पर वीडियो में आपके सामने JS7 Galaxy Prime को फॉर्मेट कैसे करना है। आपको अगर पहले तो ये रिबूट मांगेगा, ठीक है, पावर ऑफ करोगे तो होगा नहीं, इसको रीस्टार्ट करना। रीस्टार्ट करने पर इसको पावर का बटन और वॉल्यूम का और प्लस ये जो आप बटन देख रहे हैं इसको आपको तीनों को प्रेस करके रखना है रिबूट टाइम के वक्त, ठीक है। जब रिबूट टाइम करोगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर जब वो आ जाएगा तो कुछ एरो सा दिखाएगा, उस टाइम पे आपको फिर ये पावर का बटन आपको और ये वॉल्यूम प्लस का ये वाला ऊपर वाला और पावर का बटन दोनों साथ में प्रेस करोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा। इस ऑप्शन के आने के बाद आपको इसे नीचे प्रेस करना है फैक्ट्री रिबूट पे। मैं माइनस से नीचे करता हूँ इसे, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट। ये जब यहाँ पे आ जाए तो आपको इसे पावर का बटन प्रेस करके फिर यहाँ पे यस नो मांगेगा ये, फिर आपको इसे नीचे की साइड प्रेस करना है यस और फिर पावर का बटन दबाना है। अब ये रिबूट हो रहा है, अब यहाँ पे आ गया ये ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आपको रिबूट नाउ जो फर्स्ट ऑप्शन है उसी पर आपको प्रेस करना। ये मैंने इसे प्रेस कर दिया, अब ये रिबूट हो रहा है सैमसंग गैलेक्सी J7 प्राइम। इसमें पैटर्न लॉक था, उस पैटर्न लॉक को खोलने के लिए आपको इसे हार्ड रीसेट मानना पड़ा। थोड़ा सा समय लेगा क्योंकि हार्ड रीसेट हो रहा है। इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इजी से फॉर्मेट कर सकते हो। थोड़ा सा टाइम ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको होल्ड करके रखना है। याद रहे जब ये आप इसे फॉर्मेट करें तो आपकी बैटरी जो है 50% चार्ज रहनी चाहिए, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये जो है अब स्टार्ट होने लग गया ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन इसकी। ये जो है आपका स्टार्ट हो चुका है, अब इसको जो है आपको वाईफाई के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा।